जय हिंद वंदे मातरम, कैसे हैं आप लोग। सो आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है हर एक बिगनर गिटारिस्ट के लिए। अगर आप लोगों को ओपन कॉर्ड्स नहीं आते और आप लोगों को उनको एक से दो दिन में सारे ओपन कॉर्ड्स सीखने हैं तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों को ओपन कॉर्ड्स आते हैं तो मे बी आप लोगों के लिए वीडियो इतनी हेल्पफुल ना हो, सो आप लोग स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को नहीं आते ओपन कॉर्ड्स तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आप लोग एक से दो दिन में सारे ओपन कॉर्ड्स सीख जाएंगे, वो भी बड़े आराम से, चाहे आपने कल या आज ही गिटार उठाए हो। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि फाउंडेशन गिटार को इस टाइम ऑफर पीरियड में चल रहा है, 80% ऑफ है उसमें, और 399 में आप लोगों को 108 वीडियोस मिलती हैं लाइफ टाइम के लिए, जिसमें मैंने आप लोगों को गिटार सिखा रखा है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल। सो अगर आप लोगों को गिटार सीखना है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एट 399 रुपीज़ फॉर लाइफ टाइम, तो आप लोग फाउंडेशन गिटार कोर्स को बाय कर सकते हैं। नीचे आप लोगों को लिंक्स मिल जाएंगे, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, वेबसाइट, जो भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो आप लोगों के सबके लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हो और वॉच कर सकते हो फाउंडेशन गिटार कोर्स की वीडियोस। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर न्यूज़ कि मैं एक नया कोर्स के साथ आ रहा हूँ विच इज़ फॉर एवर गिटार कोर्स, जो कि इससे भी बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, हमारे फाउंडेशन गिटार कोर्स से बड़ा होने वाला है, प्लस उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड नोट्स भी होने वाले हैं। सो जो लोग कंफ्यूज है कि फाउंडेशन गिटार कोर्स बाय करें या फॉरएवर गिटार कोर्स बाय करें, उनसे मैं कहना चाहूंगा अभी फाउंडेशन गिटार कोर्स बाय कर लो। मैं आप लोगों को 50% डिस्काउंट दूंगा ऑन फॉरएवर गिटार कोर्स, जो कि आप लोगों का एट द एंड ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो जिसको आगे भी बाय करना है वो भी अभी फाउंडेशन गिटार कोर्स बाय कर सकते हैं, जिससे उन्हें 50% डिस्काउंट आगे जाके मिल जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैसे आप लोगों को ओपन कॉर्ड्स प्ले करने हैं। सो हल्का सा गिटार का क्लोजअप लुक मार दो जिससे आप लोग यू नो ज्यादा बेटर समझ सको, चीजों को ढंग से देख सको। सो क्लोजअप, सो गाइज हम लोग आ चुके हैं गिटार फेडबोर्ड के क्लोजअप लुक में। सो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कैसे आप लोगों को जो सारी ओपन कॉर्ड्स है वो एक से दो दिन में प्रिपेयर करनी है, उनको प्ले करना है। तो बहुत इजी तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है लर्न टू प्ले ई माइनर कॉर्ड। अब ई माइनर कॉर्ड बहुत सिंपल कॉर्ड होती है, ऊपर आप लोगों को चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी कॉर्ड है। आप लोगों को क्या करना है, ईजिली आप लोगों को अपना यू नो जो आप लोगों की मिडिल फिंगर है उसको रखना है ऑन दी फिफ्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेड में। ठीक है, ऑन द सेकंड फ्रेड ऑफ द फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड अपनी जो रिंग फिंगर है उसी के नीचे, ठीक है, आप लोगों को रखनी है ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेड, और इसको जितना आप लोग फ्रेड के पास रख सके उतना पास रखना है। एंड अगर आप लोग इतना कर लेते हैं आप लोगों का ई माइनर कॉर्ड बन चुका है, एंड जस्ट प्ले। तो सबसे पहले आप लोगों को याली कॉर्ड सीखनी है, ठीक है, विच इज ई माइनर, इसमें 6 की 6 स्ट्रिंग्स बचती हैं। नाउ फ्रॉम ई माइनर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे एक एक नोट्स ऐड करते रहेंगे और दूसरी कॉर्ड्स बनते चले जाएंगी। जैसे ई माइनर में अगर हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर को रख दें ऑन दी थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, तो हमारा बन जाता है ई मेजर कॉर्ड। ठीक है, तो एक और कॉर्ड बन गया ई माइनर था। ठीक है, इसको आप लोग कुछ देर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक आपने ई माइनर बजाया फिर आपने हल्का से इसको छोड़ा वापस से ऊपर से, आप लोग ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज में बता रखा है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक बार कॉर्ड को पकड़ते हैं, ठीक है, प्ले किया, उसको हल्का सा छोड़ा, हल्का सा फ्रेटबोर्ड से ऊपर आओ, प्ले करते रहो। ऐसे करते करते अगर आप लोग करते रहते तो आप लोगों के हाथों में ये जो शेप्स होते हैं ये सेट होने लगते हैं और आप लोगों को फिर ये शेप्स कभी भूलते नहीं हो। तो चाहे आप लोग किसी और कॉर्ड से भी इस कॉर्ड में आते हो तो आप लोग सीधा आ सकते हो, बिकॉज आप लोगों को आदत हो जाती है दूर से कॉर्ड को पकड़ने की। ठीक है, तो जब आप कुछ देर ये कर लो विद ई माइनर, तो देन आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग अपना जो इंडेक्स फिंगर उस रख दोगे ऑन दी थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, और फिर आप लोग ई मेजर प्ले करोगे। तो ई मेजर प्ले करोगे, सारी फिंगर्स को हल्का हल्का करके उठाओगे और इस शेप को प्रैक्टिस करोगे। जब आप लोगों का वाला शेप भी ढंग से हो जाता है, देन आप क्या करोगे, ई माइनर से ई मेजर करोगे, ई माइनर ई मेजर ई माइनर ई मेजर। तो ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ कुछ देर करना है, 15-20 सेकंड और फिर चेंज कर देना, नहीं, एटलीस्ट 5-5-10-10 मिनट हर एक चीज़ को करना। तो पहले सिर्फ ई माइनर को ऐसे ऐसे प्ले करना करीब 10 मिनट तक, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट करते रहोगे तो आप लोगों को इस शेप की हैबिट होगी। देन ई मेजर की 10 मिनट करना, एंड देन इन दोनों के ट्रांजिशन की 10 मिनट करना, तो ई मेजर ई माइनर ई मेजर ई माइनर। तो जो मैंने आप लोगों से कहा है कि एक से दो दिन में आप सारी ओपन कॉर्ड सीख जाओगे, बिल्कुल सीख सकते हो, बस हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हल्के से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एटलीस्ट एक दिन में आप लोगों को करीब 4 घंटा प्रिपेयर करना पड़ेगा और इतने में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोगों का ई माइनर से ई मेजर होने लगे, देन आप लोगों को क्या करना है, वन क्विक मैसेज टू ऑल ऑफ यू, ये जो मैं अभी आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ टू लर्न ऑल ओपन कॉर्ड्स इन वन डे, ये मैंने एक ट्राई भी दे दिया, ठीक है, अपने एक ऑनलाइन जो स्टूडेंट था उसके साथ मैंने ट्राई किया और एक घंटे में से सारी जो ओपन कॉर्ड्स थी वो आ गई। तो इसको लाइटली मत लेना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आप लोग भी जो ओपन कॉर्ड्स है सारी वो एकदम निपटा के फिर अगली कॉर्ड्स की तरफ बढ़ सकें। जो आप लोगों ने फिंगर्स पकड़ी हुई है इसी सेम शेप को आप लोगों को एक एक स्ट्रिंग डाउन ले आना है, तो उससे आप लोगों का ए माइनर बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ई मेजर और
ए माइनर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ शेप हमारी बिल्कुल सेम है, बस हम लोग एक एक स्ट्रिंग डाउन आ चुके हैं। तो ए माइनर इसका कुछ देर प्रैक्टिस करा, ठीक है, बिल्कुल ई मेजर जैसा है। तो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है स्ट्रिक का वो ये है कि हम लोग बिल्कुल अरीब करीब के जो कॉर्ड्स हैं उनको लें, और जो हमें उससे पहले का कॉर्ड आता है उससे रिलेटेड एक कॉर्ड लेंगे ना, तो हमारे को वो शेप आती होगी और उसी से रिलेटेड लेंगे तो हमें सेकंड कॉर्ड भी बड़े आसानी से आ जाती है। तो ई माइनर से हमने ई मेजर सीखा, अब ई मेजर से हम लोग ए माइनर सीख रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनर को कुछ देर प्रैक्टिस किया अकेले में, जब ये परफेक्ट होने लगा देन ई मेजर और ए माइनर को एक साथ प्ले किया। आप चाहें तो इसमें ई माइनर भी ऐड कर सकते हैं, ई माइनर, ई मेजर, ए माइनर, ठीक है। इसको जितना फास्ट आप लोग करना चाहें उतना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग कुछ देर करना, जब आप लोगों को लगने लगे हाँ ए माइनर सेट होने लगा है, ठीक है, तो अब ई मेजर से बहुत सारे कॉर्ड्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट दूंगा मैं आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, जो कि अगर लगता है मुझे कि जरूरत है तो मैं बीच बीच में भी फ्लैश करता रहूंगा। तो ई मेजर से हम लोग कुछ और कॉर्ड्स भी बना सकते हैं, लाइक ई मेजर से अगर हम लोग ए मेजर बनाना चाहें तो बहुत आसान है। बस हम लोगों को क्या करना होता है, अपनी इंडेक्स फिंगर को यहाँ से हटाना होता है, अपनी दो फिंगर से एक स्ट्रिंग डाउन लानी होती है और पिंकी फिंगर नीचे से ऐड कर देनी होती है। तो ई मेजर से आप लोगों का ए मेजर बन जाता है, कैसे, ई मेजर, ठीक है, आप लोगों की फिंगर्स है ऑन दी फिफ्थ जो आप लोगों की फिफ्थ स्ट्रिंग उसके सेकंड फ्रेड में, फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेड में एंड थर्ड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेड में। बस आप लोग ये जो आप लोगों की ये दोनों फिंगर्स से मिडिल एंड रिंग फिंगर्स इनको एक एक डाउन ले आइए, ठीक है, अपनी इंडेक्स फिंगर हटा दीजिए और नीचे पिंकी लगा दीजिए, तो आप लोगों का ए मेजर बन जाता है, ठीक है। तो ई मेजर, ए मेजर, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फिंगर हटानी है, एक फिंगर लगानी है, इंडेक्स हटानी है, उसकी जगह आप लोगों की पिंकी फिंगर एक नीचे वाले स्ट्रिंग में रख देनी है, ठीक है, और सारी जो फिंगर्स हैं उनको एक एक डाउन लेके आना है। तो ई मेजर से आप लोग ए मेजर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ई मेजर, ए मेजर, ई मेजर, ए मेजर, ई मेजर, ए माइनर, जैसा आप लोग चाहें दोनों आप लोग करेंगे। ए माइनर को भी इससे प्रिपेयर करो, ए मेजर को भी इससे प्रिपेयर करो, एंड ई मेजर से रिलेटेड एक और कॉर्ड जो आप कर सकते हो विच इज सी शार्प माइनर, ठीक है। तो मे बी आप लोगों ने इस कॉर्ड के बारे में ना सुना हो, बट ये भी ओपन कॉर्ड में बड़े आसानी से बजती है। तो इसमें क्या करना होता है आप लोगों को, आप लोगों को बस अपनी रिंग फिंगर जिस आप लोगों की स्ट्रिंग में है, अभी आप लोग ई मेजर कॉर्ड में, तो आप लोगों की फोर्थ स्ट्रिंग में आप लोगों की रिंग फिंगर है उसको उठा के आप लोगों को सेकंड स्ट्रिंग में लेके आना है और अपनी मिडिल फिंगर को एक स्ट्रिंग डाउन लेके आना है, बस आप लोगों का बच गया सी शार्प माइनर, ठीक है। तो सिर्फ दो जो स्ट्रिंग्स दो फिंगर्स उनको मूव करना है, इंडेक्स को नहीं करना है, ठीक है, मिडिल फिंगर को एक स्ट्रिंग डाउन और रिंग फिंगर को दो स्ट्रिंग डाउन। तो ई मेजर, सी शार्प माइनर, ई मेजर, सी शार्प माइनर। तो ये कॉर्ड अगर आप लोग अलग अलग करके करोगे ना तो आप लोगों को हल्का सा ऐसा सुनना पड़ेगा, अच्छा याली फिंगर यहाँ पे, याली फिंगर यहाँ पे, याली फिंगर यहाँ पे। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, बट अगर आप लोग इससे रिलेशन बना लेते हो तो बड़े आसानी से आप लोग कॉर्ड स्विच कर पाओगे एट द स्टार्टिंग। और जैसे जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस जाएगी फिर बाद में जाके आप लोगों को इन कॉर्ड की चिंता करनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप लोगों के हाथों में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में करना है, अगर आप लोग किसी और सीक्वेंस में करते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ये सीक्वेंस में मैं आप लोगों से बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ई माइनर से ई मेजर में से एक फिंगर हमने लगाई थी, ई मेजर से ए माइनर में हम लोगों ने पूरा पूरा शेप एक डाउन कर दिया था, फिर ई मेजर से ए मेजर में हम लोगों ने एक फिंगर हटाई थी, एक फिंगर लगाई थी, ऐसे ई मेजर से आप लोगों के सी शार्प माइनर में हम लोगों ने बस दो फिंगर्स को हल्का सा एडजस्ट किया और हमारा कॉर्ड बन गया, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहो, ई मेजर, सी शार्प माइनर, ई मेजर, ए मेजर, ई मेजर, ए माइनर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे आप लोगों के ये चार कॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है, पांच कॉर्ड बेसिकली। अब आप लोग सपोज ए माइनर में, आप लोगों को ए माइनर आ चुका क्योंकि ई मेजर से हम लोगों ने ए माइनर सीखा था, ई मेजर से ए माइनर सीखा था। तो ए माइनर और सी मेजर में क्या फर्क होता है, बस आप लोगों की जो रिंग फिंगर होती है जो कि थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेड में होती है, ये ऊपर उठ के फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेड में चले जाती है, ठीक है। तो जो आप लोगों की रिंग फिंगर आप लोगों की थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेड में है वो आप लोगों की उठ के सीधा फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेड में चले जाती है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप लोग ए माइनर से सी मेजर बजा सकते हैं। अब सी मेजर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, बट अगर आप लोग ऐसे देखें तो ए माइनर अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग सी मेजर बड़े प्यार से बजा सकते हैं। बस आप लोगों को एक फिंगर हटानी है, मिडिल फिंगर लगी हुई है वहीं पर ही है, इंडेक्स फिंगर जहां पर है वहीं पर ही रहेगी, बस आप लोग रिंग फिंगर उठ के सी मेजर फिफ्थ वाले फ्रेट में चले जाएगी। तो हम लोग बस रूट नोट ले जा रहे थे, यहां पर रूट नोट होता है जिसके लिए हम लोग बेसिकली जा रहे हैं, ठीक है। और जो जो यू नो कॉर्ड्स जितने इतने स्ट्रिंग में बजानी है वो मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो प्लीज़ अगर मैं भूल जाता हूँ बताना तो आप लोग ध्यान दे सकते हो। जहाँ पर क्रॉस पड़ा हुआ है उसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग म्यूट है, लाइक ए मेजर में पांच स्ट्रिंग बजती हैं, ए माइनर में पांच स्ट्रिंग बजती हैं, ठीक है। और जो जो कॉर्ड्स बताएं उनका हल्का सा आप देख लेना चार्ट में कि किस कौन सी स्ट्रिंग में एक्स लगा है, अगर एक्स लगा है मतलब वो स्ट्रिंग आप लोगों को नहीं बजानी, ठीक है। ऐसे सी मेजर में आप लोग ऊपर वाली स्ट्रिंग नहीं बजाते हैं, श्योरली आप लोग बजा सकते हैं, ई मेजर नोट आता है, ठीक है, बट
जो हमें बेस नोट चाहिए उसके लिए हम लोग फिफ्थ से फाइव स्ट्रिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। तो ए माइनर से हम लोगों ने सी मेजर करा, ए माइनर सी मेजर। अब सी मेजर से जब आप लोगों को सी मेजर आने लगे, ठीक है, दोनों को ऐसे उठा उठा के करना, ए माइनर सी मेजर, ए माइनर सी मेजर, सी मेजर, तो कुछ देर सी मेजर की प्रैक्टिस करना। जब आप लोगों के सी मेजर हाथों में सेट होने लगे, देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखो सी मेजर ऐसा आना चाहिए, ठीक है, जैसे मेरी तीनों फिंगर एक साथ आ रही है ना, बिल्कुल मैकेनिक की तरह एक एक करके नहीं आ रही है, ऐसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रोबोट के तीनों उंगलियां एक साथ आ रही, तो ऐसे आनी चाहिए, तभी आप लोग कॉर्ड्स को ज़्यादा बेटर बजा पाओगे, ठीक है। जब आप लोगों को सी मेजर ढंग से होने लगे, आप लोगों को इससे एफ बनाना है, तो एफ में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, आप लोगों की मिडिल फिंगर एक डाउन आ जाती है, आप लोगों की रिंग फिंगर उस वाली स्ट्रिंग में लग जाती है, एक स्ट्रिंग डाउन, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों की मिडिल फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग में होती है, ठीक है, उससे वो थर्ड स्ट्रिंग में आ जाती है, और आप लोगों की जो पिंकी फिंगर होती है वो जाती है फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में, मतलब जस्ट इसके नीचे रिंग फिंगर के नीचे, और आप लोगों का इंडेक्स जो हल्का सा ऐसे गोल घुमा होता है, ठीक है, सी बजाने के लिए उसको आप बस फ्लैट कर देते हो, तो आप लोगों का एफ मेजर बचा, ठीक है। तो सी मेजर एफ मेजर, तो आप लोग देखोगे मेरी फिंगर्स में ज़्यादा कोई मोशन है नहीं, बस मैं क्या कर रहा हूँ अपनी पिंकी फिंगर को उठा के लेके आ रहा हूँ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होती, वरना अगर आप लोग नॉर्मली अगर आप लोग कॉर्ड सीख रहे हो तो आप लोग सी मेजर ऐसे बजाते, फिर एफ मेजर के लिए आप लोग सारी फिंगर उठा के ऐसे बजाते, ठीक है। बट अगर आप लोग ये रिलेशन में जाते हो तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है कॉर्ड शिफ्ट करने में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एफ मेजर। एफ मेजर से आप लोग डी माइनर बड़े आसानी से बजा सकते हो। डी माइनर के लिए क्या करना है, बस आप लोगों को अपनी जो मिडिल फिंगर है उसको कहीं नहीं हटाना है, इसको वहीं पर रहने देना है। आप लोगों को अपनी इंडेक्स फिंगर एक डाउन लेके आनी है, आप लोगों ने दो स्ट्रिंग फ्रेट कर रखी है उसकी जगह आप लोगों को सिर्फ एक स्ट्रिंग फ्रेट करनी है, और अपनी रिंग फिंगर उठा के सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में जानी है, एंड दैट बिकम्स योर डी माइनर, और सिर्फ चार स्ट्रिंग बचती है, ठीक है। तो एफ मेजर एंड डी माइनर, एफ मेजर डी माइनर, एफ मेजर डी माइनर, तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हाथों का, मेरी मिडिल फिंगर यहीं पर ही है, इंडेक्स फिंगर यहीं पर ही है, बस रिंग फिंगर ऊपर से ऊपर वाली फ्रेट से नीचे आ जाती है सेकंड स्ट्रिंग में, ठीक है। तो फिफ्थ स्ट्रिंग से सेकंड स्ट्रिंग में मेरी रिंग फिंगर आती है, और इंडेक्स फिंगर अगर मैं हटाऊं भी ना तो भी डी माइनर ही माना जाएगा वैसे तो, बट अच्छा रहता है कि आप लोग इंडेक्स फिंगर को कैसा डाउन फर्स्ट वाली स्ट्रिंग में लें, ठीक है। तो एफ मेजर डी माइनर, एफ मेजर डी माइनर, एफ मेजर डी माइनर, ठीक है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई से भी कॉर्ड आती नहीं है तो आप लोग उसके लिए दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं बस आप लोगों को एक सीक्वेंस बता रहा हूँ किस सीक्वेंस से आप लोगों को कॉर्ड्स को लर्न करना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग अपने हिसाब से देखो कि यार ई मेजर से जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा उसमें आप लोग ध्यान देना कि सबसे पहले ई माइनर लिखा हुआ है, उसके बाद ई मेजर लिखा हुआ है, तो मैं देखूँ यार ई मेजर और ई माइनर में कौन से फिंगर बस एक्स्ट्रा लग रही है तो उसको लगाना है बस, ठीक है। ऐसी ए मेजर और ए माइनर में जो फिंगर लग रही है उसको लगाना है, बाकी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है कि पूरा शेप उठा के नहीं। सी मेजर से एफ मेजर में जा रहे हैं तो आप लोग को ध्यान देना है कि जब मैं एफ मेजर बजाता हूँ या बजाती हूँ तो मेरे कौन से फिंगर्स वहीं पर रहते हैं, लाइक रिंग फिंगर मेरा वहीं पर रहता है, इंडेक्स फिंगर वहीं पर रहता है, बस मिडिल फिंगर एक डाउन आ जाता है उसकी जगह पिंकी ऊपर आ जाता है। तो ये अगर आप लोग चीज़ ध्यान देंगे तो बड़े आसानी से आप लोग कॉर्ड्स को प्ले कर सकते हो। ऐसे ही डी माइनर से आप लोग डी मेजर बजा सकते हो, डी माइनर डी मेजर, डी माइनर डी मेजर, तो आप लोग देख सकते हो मेरी एक फिंगर वहीं पर रहती है, ठीक है। तो ये दोनों फिंगर्स थी मेरी जो इंडेक्स है और मिडिल फिंगर, ये मेरी फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग में थी, बस ये वाली जो फिंगर है ये ऊपर वाली स्ट्रिंग में चली जाती है और मिडिल नीचे वाले में आ जाती है, बाकी तो वही है ना, सेम शेप, डी मेजर डी माइनर, डी मेजर डी माइनर, मैं अपने रिंग फिंगर को हटा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसे करना है, बट बाद में जाके आप लोगों को इन कॉर्ड्स को अलग से उठा उठा के करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप लोग फिंगर्स रखे रहेंगे तो उससे एक वाइब्रेशन वाली साउंड आएगी, देखो जब मैं कॉर्ड चेंज कर रहा हूँ तो जैसे टिंग टिंग, तो ऐसे हमें रेजोनेंस नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप कॉर्ड सीखने के लिए इस चीज़ कर सकते हो, बट आगे जाके आप लोग जैसे जैसे आप लोगों को कॉर्ड्स आने लगे, ये शेप्स आप लोगों के हाथों में ऐड होने लगे, वैसे वैसे आप लोग हल्का सा फिर हाथ उठा के प्ले करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, डी माइनर सारी फिंगर्स उठाई, डी मेजर सारी फिंगर्स उठाई, डी माइनर, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ फ्रेट से, वहीं पर ही हूँ मैं, तो मेरा फिंगर मूवमेंट भी कम आता है, मेरे कॉर्ड्स भी सही बजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डी मेजर से, डी माइनर से डी मेजर। तो हम लोगों ने सारे कॉर्ड्स कर लिए बेसिकली जो ओपन कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ओपन कॉर्ड्स में बस एक कॉर्ड बचा है विच इज जी मेजर, तो इसको आप लोगों को अपनी तरफ से करना है। मैं इसको बता सकता था कि सी मेजर से भी कर सकते हो, कि सी मेजर में जो आप लोगों की दो ऊपर की फिंगर्स होती हैं इनके एक ऊपर ले जाओ नीचे पिंकी लगा दो तो आप लोगों का जी मेजर बन जाता है, वैसे ये भी एक तरीका है, बट ये उतना यू नो बेसलेस है हल्का सा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जी मेजर इन तीनों फिंगर से ज़्यादा बजाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इन तीन फिंगर से बजाना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। सो बस जी मेजर एक एक्स्ट्रा कॉर्ड जो आप लोग कर लेना, देखो मुझसे भी नहीं बज रहा है, तो जी मेजर एक ऐसा कॉर्ड जो नॉर्मली इन तीन फिंगर से आप लोग अलग से कर लेना, बाकी सारे जो ओपन कॉर्ड्स थे वो सिर्फ ई माइनर से बच जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बेसिकली आज के लेसन में क्या बताया, कैसे सिर्फ एक ई माइनर कॉर्ड से आप लोग ई मेजर बजा सकते हो,
ठीक है, फिर ए माइनर बजा सकते हो, उसी से ए मेजर बजा सकते हो, उसी से सी शार्प माइनर बजा सकते हो, फिर ए माइनर से आप लोग सी मेजर बजा सकते हो, सी मेजर से एफ मेजर बजा सकते हो, एफ मेजर से डी माइनर बजा सकते हो, डी माइनर से डी मेजर बजा सकते हो, और ऐसे करके आप लोगों के सारे ओपन कॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझा पाया सॉरी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।